हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू प्रभाला क्लासेस। आई होप यू आर ऑल वेल। ये हमारा नेक्स्ट ह्यूमन राइट का वीडियो है, जिसमें हम ह्यूमन राइट का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखेंगे। देखिए, अगर हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन राइट की अगर हम बात करें, तो इसका जो बैकग्राउंड है वो काफ़ी वाइड है, जिसे हम डिस्कस करेंगे। अब इसमें सबसे पहले जो साइरस है, ग्रेट साइरस जिसे कहा जाता है, जो कि पहला किंग था एंशिएंट पर्शिया का, उसने कंक्वायर किया था, जीता था बेबीलोन को, और उसने डिक्लेयर किया था कि जितने भी पीपल्स हैं उनको राइट टू चूज देयर रिलीजन, उनको उनके मन के हिसाब से, उनकी इच्छा के अनुसार रिलीजन धर्म को चुनने का स्वतंत्रता है, अधिकार है। उसने एस्टैब्लिश किया था रेशियल इक्वालिटी को, यानी कि जातीय एकता को उसने स्थापित किया था। लेकिन नेक्स्ट है हमारा मैग्ना कार्टा, 1215 का है। इसकी अगर हम बात करें कि मैग्ना कार्टा आया कैसे था, तो जो किंग जॉन थे इंग्लैंड के, उन्होंने जो इंग्लैंड के बहुत से लॉज और कस्टम्स थे उनके बहुत वायलेशन किया। वायलेशन उन्होंने इस कदर किया कि वहाँ की जो जनता थी उन्होंने रिवॉल्ट कर दिया, विद्रोह कर दिया किंग जॉन के अगेंस्ट। और इस स्थिति में आकर के अगर हिस्ट्री उठा के देखें इंग्लैंड की, तो उसमें जो किंग जॉन है उन्हें सबसे बुरा, वर्स्ट किंग कहा जाता है। जो बैरन थे, यानी कि जो विद्रोही थे, तो उन्होंने जो रिवॉल्ट किया उनके रूल के अगेंस्ट, उन्होंने एक डॉक्यूमेंट्स तैयार किया जो बैरन थे। उस डॉक्यूमेंट्स में उन्होंने कुछ राइट्स की डिमांड की कि अगर आप हमें ये राइट्स दोगे तो हम रिवॉल्ट नहीं करेंगे, विद्रोह नहीं करेंगे, और हम विद्रोह को समाप्त कर देंगे। इस पे किंग जॉन को अपनी सील लगानी पड़ी, यानी कि हस्ताक्षर करना भी पड़ा, और इसे ही ग्रेट चार्टर भी कहा गया। इसमें अगर हम राइट्स की बात करें कि कौन कौन से राइट्स मिले थे, तो इसमें सबसे पहले राइट की डिमांड की थी कि जो चर्च है उसको गवर्नमेंट इंटरफेरेंस से फ्री होना चाहिए, जो गवर्नमेंट है वो चर्च में कोई इंटरफेरेंस नहीं करेगी। नेक्स्ट आपका, जितने भी सिटीजन हैं उन्हें राइट मिलना चाहिए कि अपनी प्रॉपर्टी को रख सकें और इनहेरिट कर सकें और प्रोटेक्ट कर सकें खुद की प्रॉपर्टी को एक्सेसिव टैक्सेस से, जो बिना बात के लगाए जाते थे। इसमें कुछ राइट थे जिसमें कहा गया कि जो विडो थी उनको प्रॉपर्टी रखने का, होल्ड करने का राइट नहीं था, वो ओनर नहीं हो सकती थी प्रॉपर्टी की, उन्हें शादी करनी पड़ती थी, तब शादी के बाद उनके हस्बैंड उनकी प्रॉपर्टी जो है ओन करते थे, यानी कि स्वामी बनते थे उसके। तो यहाँ पर क्या कहा, इसमें भी ये भी राइट मांगा गया कि अगर कोई वो विडो है और वो चाहती है कि वो शादी नहीं करे, तो वो अपने खुद प्रॉपर्टी को, खुद अपनी प्रॉपर्टी की मालिक बन सकती है। नेक्स्ट आपका, इसमें इस्टेब्लिश किया गया ड्यू प्रोसेस एंड इक्वलिटी बिफोर लॉ, कि एक ड्यू प्रोसेस होना चाहिए लॉ का, और लॉ की नज़रों में सभी लोग समान होने चाहिए। नेक्स्ट, इट कंटेन द प्रोविजन फॉरबिडिंग ब्राइबरी, यानी कि जो रिश्वत है उससे फॉरबिडिंग के लिए प्रोविजन किए गए, ऑफिशियल मिसकंडक्ट जो किए जाते थे उसे भी बंद करने के लिए कहा गया। नेक्स्ट, जो ट्रायल होगा वो जूरी के थ्रू होगा और कोई इम्प्रिजमेंट नहीं दिया जाएगा बिना ट्रायल के, ये भी डिमांड उसमें की गई। नेक्स्ट रूल है आपका बिल ऑफ राइट्स का, जो कि US कॉन्स्टिट्यूशन में ड्राफ्ट किया गया था। ये एग्जिस्टेंस में आया, यानी कि इफेक्ट में आया 15 दिसंबर 1791 को। ये जो बिल ऑफ राइट्स था, इसमें 10 अमेंडमेंट किए गए कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसमें लिमिट किया गया पावर्स को फेडरल गवर्नमेंट की, यूनाइटेड स्टेट की, और प्रोटेक्ट किया गया सिटीजन्स के राइट्स को, और जो रेजिडेंट्स थे उनके राइट्स को, और विजिटर्स इन अमेरिकन टेरिटरी में जो रह रहे थे, विजिटर्स आते थे अमेरिकन टेरिटरी में, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट किया गया। बिल ऑफ राइट्स 1791 के थ्रू प्रोटेक्ट किया गया फ्रीडम ऑफ स्पीच को, फ्रीडम ऑफ रिलीजन को, यानी कि धर्म की स्वतंत्रता को, राइट टू कीप एंड वेयर आर्म्स, ये राइट मिला उनको कि वो रख सकते हैं और धारण कर सकते हैं आर्म हथियार, फ्रीडम ऑफ असेंबली एंड फ्रीडम ऑफ टू पिटीशन, असेंबली करने की और पिटीशन की फ्रीडम उन्हें मिली। इट आल्सो प्रोहिबिट अनरीजनेबल सर्च एंड सीज, क्रूल एंड अनयूजुअल पनिशमेंट एंड कंपेल सेल्फ इनक्रिमिनेशन, यहाँ पर प्रोहिबिट किया गया था इस इन राइट्स के थ्रू कि अनरीजनेबल सर्च, यानी कि तलाशी कहीं नहीं की जाएगी, सीज नहीं किया जाएगा, क्रूल और अनयूजुअल पनिशमेंट किसी को नहीं दिया जाएगा, और सेल्फ इनक्रिमिनेशन के लिए किसी को भी कंपेल नहीं किया जाएगा।
यानी कि किसी को भी आत्मदोष रोपण से नहीं करने दिया जाएगा, यानी कि किसी को जबरदस्ती ये नहीं कहा जाएगा, कंपेल नहीं किया जाएगा कि आप एक्सेप्ट करो कि आप दोषी हो। ये प्रोहिबिट करता था कांग्रेस को कि वो कोई लॉ नहीं बनाएगी इन रिस्पेक्ट ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिलीजन। नेक्स्ट, ये प्रोहिबिट करता था फेडरल गवर्नमेंट को कि वो डिप्राइव नहीं करेंगे किसी भी पर्सन को उसकी लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी से विदाउट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, यानी कि सम्यक प्रक्रिया के बिना किसी को भी उसकी लाइफ, प्रॉपर्टी और लिबर्टी से डिप्राइव नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट, ये गारंटी देता था स्पीडी ट्रायल का कि स्पीडी ट्रायल किया जाएगा विद एन इम्पार्शियल जूरी जो कि बायस नहीं हो। इस तरह का जूरी जो है ट्रायल करेगा, स्पीडी ट्रायल करेगा डिस्ट्रिक्ट में। और प्रोहिबिट करता था डबल जियो पार्टी को कि दोहरे दंड से संरक्षण प्रदान किया जाएगा, यानी कि किसी को एक दंड के लिए दोबारा दंडित नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट आपका जिनेवा कन्वेंशन 1864 है, जिसमें कि 16 यूरोपियन जो कंट्रीज थी और सेवरल अमेरिका के जो स्टेट थे, उन्होंने मिलकर के जिनेवा में कॉन्फ्रेंस की थी। और यहाँ पे जो कंट्रीज इकट्ठा हुई थी वो इनविटेशन पे, जो स्विस फेडरल काउंसिल है उनके इनविटेशन पे हुई थी। ये एक इनिशिएटिव था, पहल थी जिनेवा कमेटी की, जिसने की एक डिप्लोमेटिक यानी कि कूटनीतिक कॉन्फ्रेंस आयोजित की, जिसमें कि अडॉप्ट किया गया था कन्वेंशन को, जो कि लड़ाई में जो सोल्जर्स थे, सिपाही, उनके ट्रीटमेंट से संबंधित था। यानी कि अगर कोई जो सिपाही है वो घायल हो जाता है तो उसका इलाज से रिलेटेड ये कन्वेंशन था कि उसे ट्रीटमेंट प्रोवाइड कराया जाएगा। नेक्स्ट आपका यूनाइटेड नेशन 1945, वर्ल्ड वार सेकेंड के बाद जो है इतनी क्रिटिकल सिचुएशन आ गई थी, जितने भी आपके सिटीज थे थ्रू आउट यूरोप एंड एशिया में बर्बादी ही बर्बादी नजर आ रही थी। मिलियन ऑफ पीपल वर डेड, मिलियन वर होमलेस, बहुत सारे लोग घर से बेघर हो गए, कई सारे मिलियंस लोग की मृत्यु हो गई, डेथ हो गई। इस चीज को देखते हुए अप्रैल 1945 में डेलीगेट्स किया गया 55 कंट्रीज की मीटिंग को इन सैन फ्रांसिस्को में। द ऑब्जेक्टिव ऑफ यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस वॉज टू प्रमोट पीस एंड प्रिवेंट फ्यूचर वॉर्स। जो ऑब्जेक्टिव था यूनाइटेड नेशन की कॉन्फ्रेंस का, जो कि सैन फ्रांसिस्को में हुई थी, इसका जो ऑब्जेक्ट था वो था पीस को बनाए रखना, प्रमोट करना, शांति को प्रमोट करना और फ्यूचर वार से प्रिवेंट रहना, यानी कि फ्यूचर में कोई वार ना हो उससे खुद को रोकना। नेक्स्ट आपका यूडीएचआर 1948 में ये आया था आपका। इसमें जो ह्यूमन राइट कमीशन था उसने कैप्चर किया था पूरे वर्ल्ड के अटेंशन, यानी कि पूरे वर्ल्ड पे उसने ध्यान दिया था, अटेंशन दिया था, और ये देखा था कि यूनाइटेड नेशन ने कि जो ह्यूमन राइट्स हैं उनका काफी जो है वायलेशन हो ही रहा है। तो अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ एलेनोर रूजवेल्ट, जो कि प्रेसिडेंट थी उस टाइम, उनकी चेयरमैनशिप में एक ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट्स तैयार किया गया, ड्राफ्ट तैयार किया गया अगर कहें तो, जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है उसके जो आपके कहें जो ड्राफ्टिंग कमेटी के जो आपके चेयरमैन थे, अध्यक्ष थे, वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। ऐसे ही जो यूनिवर्सल आपका डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट था, इसका जो ड्राफ्ट बना था उस ड्राफ्ट की जो चेयरमैन थी वो एलेनोर रूजवेल्ट थी, जो उस टाइम की प्रेसिडेंट भी थी। उन्होंने क्या किया, जो है ड्राफ्ट तैयार किया एलेनोर रूजवेल्ट ने यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट का, जिसमें यूडीएचआर को रेफर किया एज इंटरनेशनल मैग्ना कार्टा फॉर ऑल मैनकाइंड। समस्त संसार, समस्त मैनकाइंड, मानव प्राणी के लिए एक मैग्ना कार्टा बनाया गया। फाइनली अडॉप्टेड बाय यूनाइटेड नेशन ऑन 10 दिसंबर 1948, और 10 दिसंबर 1948 को इसे अडॉप्ट किया गया। और आप जैसे कि सभी लोग जानते हैं कि 10 दिसंबर को हम ह्यूमन राइट डे भी सेलिब्रेट करते हैं। जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट था उसमें जो हमें राइट प्रोवाइड किए गए थे, ये इंटरनेशनल ह्यूमन राइट लॉ के नाम से भी जाने जाते हैं, यानी कि फॉलो किया जाता है इन्हें इंटरनेशनल लेवल पर। और आज ये जो डिक्लेरेशन है एक लिविंग डॉक्यूमेंट्स माना जाता है, और इसे मोस्ट ऑफ वर्ल्ड में, यानी कि कई कंट्रीज ने इसको ट्रांसलेट किया गया किया है इस डॉक्यूमेंट्स को। तो अगर हम कहें तो ह्यूमन राइट, अगर हम अब का प्रेजेंट का अगर ह्यूमन राइट हम कहें, तो ये जो डिक्लेरेशन हमें मिला है, इस डिक्लेरेशन से पहले हमने देखा इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कि कैसे कैसे अदर अदर जो कंट्रीज थे वहां से धीरे धीरे कंसेप्ट आ करके और फाइनल में हमें क्या मिला, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट। इंटरनेशनल लेवल पे हमें ये मिला,
तो ये था हमारा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ ह्यूमन राइट का। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। टेक केयर, बाय बाय।